गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कल हमने विशेषण अध्याय पढ़ा, विशेषण लेसन पढ़ा। विशेषण लेसन में हमने पढ़ा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। गुण, संख्या, माप तोल, मात्रा आदि के बारे में, क्वांटिटी है ना, आदि के बारे में बताने वाले शब्द भी विशेषण शब्द होते हैं। इसके बाद आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है मौखिक में, विशेषण क्या बताता है? बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, विशेषण विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है मौखिक का, और दूसरा प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करना है। दूसरा प्रश्न है, आप अपने किसी खिलौने की विशेषता बताइए। आपके पास कोई खिलौना है, जैसे आपके पास कोई कार है, तो कार कौन से रंग की है ना, नीले रंग की है, लाल रंग की है, पीले रंग की है, कार बड़ी है, छोटी है ना। तो इस तरह आपने किसी भी खिलौने की कोई विशेषता आपको बतानी है। या कोई गुड़िया किसी के पास है, तो गुड़िया कैसी है, सुंदर है, लंबी है, गोरी है, पतली है ना, दुबली है, तो ऐसी कोई विशेषता अपने खिलौने की आपको बतानी है। जो भी खिलौना आप ले उसकी विशेषता है, तो ये आप स्वयं करेंगे है ना, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। इसके बाद लिखित का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्दों पर राइट का निशान लगाइए। मोटा, खाना, भरना, इसमें क्या होगा विशेषण शब्द? मोटा। तारे बहादुर हम, बहादुर। लंबा, भाई फूल, लंबा। हम चलना, रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। खिलौना, 3 लीटर, खेलना, इसमें होगा 3 लीटर, इस पे राइट करिए। इसके बाद पढ़िए, समझिए और सही मिलान कीजिए। अब इसमें आपको मिलान करना है, सुगंधित क्या होगा? फूल। सुगंधित को फूल से मिलाइए। वीर, सैनिक। विशाल, हाथी। विशाल यानी बड़ा। हरा, अमरूद। अमरूद अच्छे लगते हैं आपको है ना, अमरूद कैसे होते हैं, हरे हरे होते हैं। छोटा, बच्चा। घमासान, युद्ध। घमासान यानी बहुत जोरों का है ना, बहुत जोरों से युद्ध हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। सचिन अच्छा खिलाड़ी है, इसमें अच्छा शब्द पर गोला लगाया गया है ना। अच्छा क्या है? विशेषण है, इसलिए इस पर गोला लगाया गया है। अब हम अगले पैराग्राफ में विशेषण पे गोला लगाएंगे, मेरी पुरानी कमीज फट गई, इसमें विशेषण क्या है? पुरानी। पुरानी पर गोला लगा दीजिए। ठीक है, जग में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा पे गोला लगाइए। थोड़ा क्या है? विशेषण। चटपटी चाट अच्छी लगती है, कैसी चाट अच्छी लगती है? चटपटी। तो चटपटी भी यहाँ विशेषण है और अच्छी भी यहाँ विशेषण है। ठीक है ना, मेरे पर्स में 10 रुपये हैं, तो विशेषण क्या है? 10। मेरी पेंसिल बड़ी है, विशेषण क्या है? बड़ी। ठीक है, तो अच्छा, पुरानी, थोड़ा, चटपटी, अच्छी, 10, बड़ी, ये विशेषण शब्द हैं और इन पे आपको गोला लगाना है। इसके बाद अगला है, चित्रों को देखकर दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। तो हमें ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को देखना है और खाली जगह पर सही शब्द को भरना है। पहला चित्र है मेरा भाई, और शब्द क्या दिए हैं? बूढ़ा, जहरीला, 2 लीटर, छोटा, तीसरी, लाल। तो यहाँ क्या आएगा? मेरा भाई छोटा है, तो यहाँ हम लिखेंगे
मेरा भाई छोटा है। दूसरा है दादाजी, यहाँ क्या आएगा, बूढ़ा आदमी। दादाजी के साथ कौन है, कुत्ता भी है, डॉगी भी है, बूढ़ा आदमी। इसके बाद ये क्या है, इमारत, बिल्डिंग, मंजिल। तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा, बूढ़ा आएगा, जहरीला आएगा, 2 लीटर। बूढ़ा तो हो गया, छोटा भी हो गया, जहरीला 2 लीटर, तीसरी लाल। तो ये क्या है, तीसरी मंजिल। तो यहाँ हम लिखेंगे तीसरी मंजिल। इसके बाद सांप आया, सांप। अब सांप कैसा होता है, जहरीला। यहाँ जहरीला दिया है, हाँ यहाँ जहरीला दिया है ना, तो यहाँ से हम जहरीला शब्द लेंगे और सांप के आगे लिख देंगे, जहरीला सांप। अब इसके बाद है मिल्क, ओहो दूध, दूध के ऊपर गाय का चित्र भी बना है। कितना दूध है ये लिखा है इसके ऊपर, तो 2 लीटर, 2 लीटर यहाँ दिया है, अरे वाह, 2 लीटर दूध। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 लीटर दूध। दूध सबको अच्छा लगता है ना, दूध सब पीते हैं दूध, मुझे भी दूध पीना अच्छा लगता है। अब क्या आया है, लाल लाल टमाटर, अरे वाह, इतना सुंदर, मुंह में पानी आ गया मेरा टमाटर देखकर। लाल लिखा है, यस लाल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लाल टमाटर। टमाटर कैसा होता है, लाल होता है ना, हरे भी होते हैं टमाटर लेकिन वो कच्चे टमाटर होते हैं, लाल टमाटर जो होता है वो पका हुआ टमाटर होता है। तो ठीक है, फिर हमने यहाँ सबको भर दिया। अब क्या हो गया सेंटेंस देखो, मेरा भाई छोटा है, बूढ़ा आदमी, तीसरी मंजिल, जहरीला सांप, 2 लीटर दूध, लाल टमाटर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण देखकर सही शब्द लिखिए। उदाहरण में क्या दिया है, नीला आकाश। हाँ, आकाश कैसा होता है, नीला होता है। तो हमें इस उदाहरण को देखकर अब इन शब्दों, जो शब्द दिए हैं, इनके आगे हमें सही शब्द लगाना है ना। जैसे 5 लीटर, ऊपर 2 लीटर दूध था, यहाँ हम क्या लिख देंगे, 5 लीटर दूध कर दो, है ना। थोड़ा पानी, सुंदर लड़की, चमकते तारे, चार पैर, लाल टमाटर ही लिखेंगे क्या, कुछ और भी होता है लाल, होता है क्या, क्या होता है, लाल कार लिख देते हैं, लाल कार देखी है ना, होती है लाल कार, लाल कार। टमाटर तो ऊपर लिख दिया हमने, अब लाल कुछ और लिखेंगे, लाल कार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने सही शब्द लिखे, 5 लीटर दूध, थोड़ा पानी, सुंदर लड़की, चमकते तारे, 4 पैर, लाल कार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6, सच्चा दोस्त में सच्चा विशेष शब्द विशेषण है, जो दोस्त की विशेषता बता रहा है। अब आप बताइए, सच्चा दोस्त किसे कहते हैं, जो हमारे साथ पढ़ता है उसे कहते हैं, या जो सुख दुख में साथ दे, किसे कहते हैं, जो सुख दुख में साथ दे। दोस्त किसे कहेंगे, सच्चा दोस्त तो वही होगा ना, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है ना। अब इसके बाद गतिविधि आई, गतिविधि यानी एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में हमें क्या करना है, देखो यहाँ दिया है सीधे और नीचे, सीधे का मतलब ऐसे और नीचे का मतलब ऐसे, डाउन में लेना है ना। 2 प्लस 1
कितना होता है? तीन। तो सीधे में दो प्लस एक तीन लिखा हुआ है ना। अब न से दूसरा नीचे से, खाने की चीज़ जिसमें नमकीन, जिसमें नमक हो, उसे हम क्या कहेंगे? नमकीन, नमकीन, है ना। अब तीसरा, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, कीमती। अब पांचवा, चाचा नेहरू के प्रिय गुलाब का रंग लाल, जिसमें बहुत बल हो, बलवान, है ना। ये तो, ये तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको करके बताया है, आप खुद भी करके देखिएगा, है ना। इसके बाद आता है, चित्र को देखकर कुछ वाक्य लिखिए। अब ये तो आप खुद करेंगे, है ना, क्योंकि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है और मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि एक हाथी है जो बहुत मस्त लग रहा है मुझे। हाथी है ना, हाथी बहुत प्यारा लग रहा है, और खरगोश भी है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये बच्चे हैं, बच्चे, हाँ बच्चे जानवर बनकर नाटक कर रहे हैं। यस, ये जानवर नहीं है, ये तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर तो बच्चों के चेहरे लिखे हैं, है ना। तो ये वाक्य आप स्वयं लिखेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में उसको आप देखेंगे और आप स्वयं वाक्य लिखेंगे। मम्मी पापा से नहीं पूछना है, दीदी से भी नहीं पूछना है, आप खुद देखेंगे चित्र में क्या दिख रहा है, और जो आपको दिख रहा है ना वो आप लिखना, ठीक है। तो ये आपको बुक में यहाँ जो लाइंस दी है ना, इस पे लिखना है, ठीक है। तब हमें कॉपी में क्या क्या करना है, देखो, कॉपी में हमें मौखिक के दोनों प्रश्न लिखना है, ठीक है, और ये मिलान करना है, ये आप कॉपी में करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री भी करेंगे कॉपी में। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए, ठीक है। और इसके बाद आप ये तो आप बुक में ही कर लीजिए अभी तो, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाऊंगी, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर, हम विशेषण पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो मैं आपको लिखाऊंगी, वो आपको मैं दूंगी क्वेश्चंस, ठीक है। आप तब कॉपी में करिएगा, अभी इतना ही कॉपी में करना है और बुक में कंप्लीट करना है।